एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक नसीम ने कहा है कि तहरीक इंसाफ वालों को झूठ बोलने दें, जजेस के प्लॉट से मुतालिक अगर काबीना का कोई फैसला है तो फवाद चौधरी दिखा दें। जजेस के प्लॉट्स, पेंशन और लापता अफराद से मुतालिक फवाद चौधरी और शीरी मजारी की बातें दुरुस्त नहीं हैं। वो प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी गलती थी कि जस्टिस फाइज सर के खिलाफ रेफरेंस बनाया गया और मुझे मिसगाइड किया गया, और फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आपने बाकायदा इसरार किया। नहीं, वजीर आजम ने कहा, मैं क्यों इसरार करूंगा, मुझे क्या पड़ी थी। वो तो जो भी चीज़ रिकवर हुई इंफॉर्मेशन एआरयू की तरफ से रिकवर हुई, टोटल नॉनसेंस हुआ। ये सुबह 7 बजे फ़ोन आया इमरान खान साहब का मेरे पास और उनका कि फौरन आओ। मैंने कहा सर आता हूँ, मैं 9:30 तक पहुँचा, नहीं मुलाक साहब जिंदा थे और उन्होंने यही कहा कि ये जो इनकी एसेट्स हैं ये इस तरह का है और हमारा एंटी करप्शन का एजेंडा है, फौरन इसका रेफरेंस बनाया जाए। खुद कह रही हैं श्री मजारी साहिबा कि आपने उनकी मिसिंग पर्सन्स के हवाले से हाजिरी लगवा दी थी आप पारा में। ये सारी लग बातें हैं। श्री मजारी साहिबा तो खुद डिफेंस मिनिस्टर बनना चाहती थी, खुद फॉरन मिनिस्टर बनना चाहती थी। इनको ना तो कोई चीज़ पता होती है, ना कैबिनेट के प्रिंसिपल्स पता है, ना रूल्स ऑफ बिजनेस पता है। अब ये रोज मुझ पर चढ़ाई करें कि तुमने बिल हमारा रोका हुआ है। अच्छा, वो बिल जो है वो पढ़ने के काबिल नहीं था, उसमें कोई 2 पेज की तो एक डेफिनेशन थी कि पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है। दिस इज टोटल नॉनसेंस। ये आप पारा ये भी जाती थी और ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग नहीं जाते थे। देखिए, आप पारा में तो वजीर आजम सब भी जाते रहे हैं और मीडिया में भी बात आती रही है। जिसके प्लॉट के मामले में आपने कहा मैंने इनके सामने पेश होना है, आपने अपनी वकालत की प्रैक्टिस बचाने के लिए एक रिफॉर्म रोक दिया, वो कह रहे हैं। फवाद चौधरी साहब से कहें कि अगर ऐसा कोई कैबिनेट डिसीजन था जिसमें ये लिखा गया है या एग्री किया गया है कि जजों को प्लॉट नहीं देना और जिसको मैंने अपोज किया या रोक दिया, तो काइंडली वो दिखा दें, निकाल दें। ऐसा कोई कैबिनेट डिसीजन नहीं है जिसके अंदर इस किस्म की बात की गई हो। जहाँ तक कि पेंशन की बात है, ये पेंशन तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से मिलती है। आरिफ अलवी साहब होते या कैबिनेट होते, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को ख़त्म कर देते, ज़ीरो कर दे पेंशन को।